पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री से गिरावट दर्ज। आगामी 48 घंटों में और 2-3 डिग्री से गिरावट होने की संभावना है। अधिकांश भागों में 1 जून से हीटवेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। आज बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हीटवेव व कहीं कहीं तीव्र हीटवेव दर्ज होने की संभावना है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 31 मई से 2 जून के दौरान मेघ गर्जन, तेज आंधी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा व हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। आगामी 3-4 दिन तेज सथी धूल भरी हवाएं 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा राज्य के कुछ भागों में चलने की संभावना है। अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा ग्रामीण के तत्वावधान में आज गोस्वामी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। 18 जोड़े अग्नि को साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंधे 12 धूमधाम से विवाह स्थल पहुंची। साथ ही विवाह समारोह में फिजूल खर्ची रोकने के उद्देश्य से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। माता का थान मुख्य मार्ग पर नरसिंह प्याव तिराहे के डिवाइडर के हिस्से को लोहे की जालियों से कवर कर पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर सुंदर स्थान बनाया गया है। इस सुरक्षित स्थान पर डॉग व गायों के साथ अन्य जानवर पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और पक्षी दाना पानी का सेवन आराम से कर रहे हैं। गहलोत परिवार ने लगभग 65,000 रुपए खर्च कर पक्षी विहार का निर्माण करवाया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की तरफ से शास्त्रीय नृत्य प्रशिक्षण शिविर आज से आरंभ हुआ है। 15 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में कई बालक बालिकाएं भाग लेने पहुंचे हैं। प्रशिक्षण अकादमी के हॉल में शुरू किया गया है। अकादमी की प्रशिक्षणकर्ता ने बताया कि यहां पर 6 साल की उम्र से लेकर 35.36 साल के लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 12 जून तक ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12 को बच्चों का शास्त्रीय नृत्य में कितना सीखा इनका परफॉर्मेंस भी होगा। बच्चों को 3 ताल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षणकर्ता ने बताया कि बच्चों को तोहे, तत्काय, टुकड़े सहित बंदिशें भी सीखेंगे। 15 दिन का समय कम होता है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों में इसकी रुचि बनी रहे और वे आगे भी इस कला को आगे बनाए रखेंगे। अकादमी का काम है कि वह कला को बनाए रखे और बच्चों को विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट PGI, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के सहयोग से सभी संकाय सदस्यों के लिए 6 दिवसीय फैकल्टी रीओरिएंटेशन कार्यक्रम के आयोजन के अंतर्गत आज बुधवार को NABH नई दिल्ली की उप निदेशक डॉक्टर काशिपा ने NABH मान्यता मानकों के कार्यान्वयन में कठिनाइयां विषय पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर काशिपा ने बताया कि NABH मानकीकरण अस्पताल की चिकित्सकीय गुणवत्ता एवं मरीजों को मिलने वाली बेहतर सुविधाओं का प्रमाण है। अस्पताल को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा निर्धारित प्रत्यायन मानकों का कार्यान्वयन एक चुनौती वाला काम है, जिसमें कई कठिनाइयां आती है, जैसे प्रशिक्षित और योग्य स्टाफ, प्रशिक्षण और जागरूकता, गुणवत्ता सुधार और मानकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता की कमी, दस्तावेजीकरण, आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे कि सुविधाएं, उपकरण और तकनीकी संसाधनों का अभाव आदि। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर के डिप्लोमा इन योग साइंस प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर यूनिवर्सिटी कॉलेज नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस डा सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्राचार्य डा चंद्रभान शर्मा ने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को आसन प्राणायाम एवं ध्यान का शास्त्रीय विधि से अभ्यास करने हेतु प्रेरित किया। इसके अलावा योगाभ्यास के संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए दैनिकचर्या में आचरण में लाने व आहारचर्या पर जोर दिया। जंक फूड, फास्ट फूड, तले भुने आहार द्रव्यों का त्याग कर समय पर ताज़ा पोषक तत्वों से भरपूर आहार करने के प्रति जागरूक किया। साथ ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय प्रो वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति द्वारा किए गए नवाचार योग साधना एवं मंत्र चिकित्सा अध्ययन केंद्र गुफा ध्यान योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों व चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के CEO श्री निर्मल गहलोत उपस्थित रहे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।